ये है कल्पा। कल्पा 14 किलोमीटर ऊपर है रिकोंगपियो से, एंड यू गेट रेगुलर बसेस फ्रॉम रिकोंगपियो पोस्ट ऑफिस फॉर कल्पा। कल्पा एक छोटा गांव है सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2760 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल। कल्पा अपने एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है, एंड इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट एवर वोटर श्याम सरन नेगी ऑल्सो बिलोंग्स टू कल्पा। यहाँ के लोकल किन्नौरी मोस्टली हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को मानते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कल्पा के मॉनेस्ट्री में। बुद्धिज्म के सबसे महान ट्रांसलेटर्स में से एक थे रिंगचेंग सांगपो। ही वॉज ऑल्सो अ स्पिरिचुअल गुरु। उन्होंने अपने लाइफ में 108 मॉनेस्ट्रीज बनवाए, जिनमें से एक है कल्पा का समतुप मॉनेस्ट्री। द ओल्ड मॉनेस्ट्री वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड वर रिकंस्ट्रक्टेड बाय द विलेजर्स। द होली स्टिक ऑफ रिंगचेंग सांगपो वॉज इंस्टॉल्ड इन द स्टूपा कंस्ट्रक्टेड हियर। Right now we are going to this side point in Kalpa, and from the Kalpa monastery this is a 3 kilometer trek and uphill, तो चलने में थोड़ी तो परेशानी होती है, and continuously uphill ही है। बीच बीच में flat things आ रहे हैं, देखिए trails आ रहे हैं, but mostly it's uphill, but I think it should be worth the hard work we are doing. Kalpa is located at the foot of 6,050 meter high Kinna Kailash, and it is also situated on the old Hindustan-Tibet Silk Route. ये देखिए bedding clearance. Entire stratigraphy, like entire layer, were like this once in a time, which has been rotated like this now. अब ये देखिए यहाँ पे बेडिंग्स, you can clearly see. अभी हम रोगी विलेज की तरफ जा रहे हैं, वहीं पे आपका सुसाइड पॉइंट है। Everyone should visit this place once in your lifetime. It's an experience of once in a lifetime. I'll show you one interesting thing. See. अब देखिए हाउ द ट्रंक ऑफ द ट्रीज आर बेंट। दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ द कॉनिफर ट्रीज ऑफ द हिमालयस। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्लो क्रीपिंग ऑफ द सॉइल एंड सो दिस ट्रीज एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट। सी हाउ इट इज बेंट। Finally, we have reached the suicide point near the Rogi village in Kalpa. You can see this. They were ensured that no one commits suicide by placing a barrier which is hardly 3.5-4 feet and which could be climbed by anyone. Yes, you just see. Thank you.
And do not forget to try the amazing local cuisine, such as the chowmein, thukpa or the momos. कल्पा से लौटने के बाद हमने पीओ बस स्टैंड के पास एक होटल में रेस्ट लिया एंड द नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड आवर जर्नी फॉर ताबो इन स्पीति वैली. अब रिकॉन्ग प्यू टू काजा एक बस सुबह 5:30 बजे जाती है, बट आई वुड सजेस्ट यू टू टेक द 9 AM बस टू ताबो, क्योंकि काजा वाली बस टूरिस्ट सीजन में शिमला से ही बुक होकर आती है तो सीट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है. सो द बेस्ट ऑप्शन इज कंप्लीट योर स्लीप एंड टेक द 9 AM बस टू ताबो एंड विजिट ताबो. रिकॉन्ग पियो से ताबो का डिस्टेंस है अराउंड 170 किलोमीटर, और इस पूरे सफ़र के दौरान आपके साथ पहले सतलज और उसके बाद स्पीति रिवर साथ साथ बहती है. एंड दिस जर्नी विल ईजली टेक यू 5 to 6 hours टू रीच ताबो. इस जर्नी के दौरान आप एलिवेशन गेन करते रहते हैं टिल नाको, एंड इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द पियो टू काजा जर्नी. And as you can see, the road condition is mostly good. बस बीच बीच में रोड काफ़ी सकरी और ऊबड़ खाबड़ हो जाती है.
Taco village is situated at an elevation of 3,660 meters. This village is famous for the Naco Monastery and Naco Lake. इस जर्नी के दौरान आप नाको में लंच कर सकते हैं एंड देन कंटिन्यू जर्नी फॉर टाको एंड द व्यूज यू गेट फ्रॉम नाको आर इम्पेकेबल द स्नो क्लैड माउंटेन्स द बैरन लैंड एंड द वैली. And a big thank you to all those people who have subscribed to my channel.